फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड करें तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि कहने को तो बिहार में जेडीयू बीजेपी के साथ साथ हम और वीआईपी की सरकार चल रही है। कहा तो ये भी जाता है एनडीए की तरफ से कि गठबंधन में सब ठीक है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि बीजेपी की सभी मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक पटना के रविंद्र भवन में हुई और जब ये बैठक हुई तो पार्टी की तरफ से नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से मजबूत करना होगा कि सभी पार्टियां इसके सामने छोटी दिखने लग जाए। हम अपने कार्यों का विस्तार तो किए हैं, लेकिन उस विस्तार से वह विस्तार निराशजनक नहीं है। वह विस्तार हमको आशावाद बना है, लेकिन हमको पहुंचना वहां तक है कि आगे भारतीय जनता पार्टी के सामने बिहार प्रदेश में सारे के सारे लोगों का जनाधार इतना छोटा पड़ जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखाई नहीं पड़े, वहां तक हमको पहुंचे। ये बयान तो विरोधियों के लिए ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर बिहार बीजेपी की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा यह जाता है कि हम जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और वीआईपी हम भी हमारे प्रमुख सहयोगी है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि अपनी पार्टी का जनाधार इस तरीके से बढ़ाया जाए कि बाकी सभी पार्टी इंक्लूडिंग जेडीयू का कद छोटा हो जाए, जेडीयू दिखनी बंद हो जाए, तो फिर ये जेडीयू के अस्तित्व के लिए बड़ा सवाल हो जाएगा। बता दें कि लगातार विरोधियों के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी जेडीयू में सब ठीक नहीं है और पप्पू यादव भी लगातार ये कहते रहते हैं कि बीजेपी बड़ा झटका जेडीयू को आगे चलकर दे सकती है। कहा तो ये भी जाता है कि सिर्फ यूपी चुनाव का इंतजार है, उसके बाद बिहार में कोई बड़ा खेल हो सकता है। इन तमाम अटकलबाजी और बयानबाजी के बीच अगर जेडीयू के जिम्मेदार नेता नित्यानंद राय, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से ये बयान आएगा तो फिर सवाल उठना लाजमी हो जाएगा कि क्या बिहार बीजेपी जेडीयू का कद छोटा करने के लिए काम करेगी? क्या बिहार बीजेपी इस तरीके से बिहार में अपनी पार्टी का विकास करेगी कि जेडीयू दिखनी बंद हो जाए? बता दें कि अगर हम बिहार बीजेपी की 2020 से पहले की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे, लेकिन जब 2020 के नतीजे आए तो जेडीयू की सीट घटकर 43 पर अटक गई और बीजेपी बढ़कर 74 पर पहुंच गई और फिर नीतीश कुमार के बड़े भाई वाली भूमिका पर सवाल उठना शुरू हो गया और माना ये जाने लगा कि नीतीश कुमार की सीट इसलिए कम हुई क्योंकि बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ एक गुप्त कमरे में या हिडन एक डील की, जिस वजह से नतीजे जो है वो जेडीयू के खिलाफ गए और बीजेपी को बड़ा फायदा हो गया। लेकिन बीजेपी लगातार कहती रही कि चिराग के साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है, चिराग जिस भी मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में बयानबाजी कर रहे थे वो उनका व्यक्तिगत फैसला था। लेकिन इन सब के बीच अब जब ये बयान नित्यानंद राय की तरफ से आया है तो उसके बाद फिर से एक बार सवाल उठने लगा है कि क्या जेडीयू का जनाधार कम करने में, विधानसभा चुनाव में सीट कम करने को लेकर क्या बीजेपी किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रही थी? क्या बीजेपी की ये कवायद थी कि कैसे भी करके जेडीयू के अस्तित्व को बिहार में छोटा किया जाए ताकि बीजेपी का अस्तित्व बड़ा हो सके? इस पूरे मामले पर नेताओं की तरफ से पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आ रहे हैं जरा देखिए। तो अब जेडीयू को तो पहले 3 नंबर पर पहुंचाई, अब जेडीयू को समाप्त करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो अपने सहयोगी दल जो हैं, जिनके सहारे वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं बिहार में, वो सबको वो समाप्त करेंगे। अरुणाचल में तो जेडीयू के सभी विधायकों को ही मिला लिया था। तो अब जवाब दें, समझे नीतीश कुमार जी, बीजेपी कह रही है उनके सामने कोई नहीं रहेगा तो अपने सहयोगी को न कह रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी का तो ये चरित्र रहा है। इसलिए बीजेपी से सावधान रहे, उनके साथ जो भी मांझी जी की पार्टी, सहनी जी की है और नीतीश कुमार जी की, नहीं तो बीजेपी सबको समाप्त कर देगी। पार्टी के नेताओं को अपना जनाधार बनाने का राइट है, ये समझना उनके गठबंधन को है कि आपको कितना कौन डरा रही है।
हर पार्टी को बना लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। कि आप स्वाभाविक अलायंस नहीं है, आप डर का अलायंस, मजबूरी अलायंस, सत्ता का अलायंस। वैसे भी नीतीश कुमार की विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। तो बता दें कि एक और तो बीजेपी अपनी सभी मोर्चों की बैठक कर रही है, कह रही है कि बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनानी है कि दूसरी पार्टी नजर ना आए। वहीं नीतीश कुमार भी बिना चुनाव के अपनी तरफ से जनसभा कर रहे हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं, कोरोना त्रासदी को नजरअंदाज करके भी जनता के बीच बैठ रहे हैं और इसके अलावा जनता दरबार भी लगा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेडीयू बीजेपी अपनी तरफ से चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं? क्या जेडीयू बीजेपी दोनों मिलकर एक दूसरे को काटने की कोशिश में जुटे हैं? क्या जेडीयू बीजेपी दोनों की कवायद है कि बिहार में अपने पार्टी के जनाधार को एक दूसरे से बेहतर किया जाए? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि एनडीए की तथा कथित एकता का क्या? जेपी नड्डा जो दावा करते हैं कि हम हमेशा अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलते हैं और परस्पर विकास पर ध्यान देते हैं, उसका क्या? क्योंकि कवायद तो यहाँ पर दोनों पार्टियों की तरफ से ये हो रही है कि कैसे भी करके अपना जनाधार बेहतर किया जाए, वो भी उस परिस्थिति में जब लोकसभा के चुनाव 2024 और विधानसभा के चुनाव 2025 में है। तो ऐसे में जनता के जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में किसी बड़े खेल की तैयारी में जेडीयू बीजेपी जुटी हुई है? खैर, देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या खबर आती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।